जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्डी ब्रेंस पे। तो साथियों देखिए, झारखंड जेएसएससी की तरफ से जो है भर्ती, जिस भर्ती का आप लोग इंतजार कर रहे थे, आईटीआई अनुदेशक भर्ती, आईटीआई इंस्ट्रक्टर बहाली की भर्ती की फॉर्म जो है साथियों आ चुकी है। साथियों यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं कि 930 पोस्ट के लिए इस बार भर्ती आई हुई है। पहले जो है 700 समथिंग पोस्ट की वैकेंसी थी, अपडेट होकर के 930 अपडेटेड वैकेंसी है, जहाँ की थोड़ी वैकेंसी बढ़ी हुई है। तो रेगुलर और बैकलॉग दोनों ही भर्ती निकाल दिया गया है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण जो है आपका अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023, तो नियमित और यहां पे बैकलॉग भर्ती दोनों की जानकारी आप लोग को देंगे। चैनल पे अगर न्यू चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की भर्ती के अपडेट्स पाने के लिए। बिहार से भी आया हुआ है अभी, और अभी लगे हाथ जो है झारखंड में भी आ गया है। तो साथियों यहाँ पे देखिए, अब डिटेल्स आपको बता देते हैं। तो देखिए, परीक्षा शुल्क जो है 100 रुपये लगेगा, जो आप लोगों का जनरल और ओबीसी और एसटी एससी वालों को 50 रुपये लगेगा। बट जिन्होंने पिछले बार मतलब कि रजिस्ट्रेशन किया था, फॉर्म फिलअप किया था 3/2022 एवं 4/2022 का विज्ञापन, उनको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और विज्ञापन संख्या 17/2022 भी है एवं 18/2022, ये विज्ञापन में आपने फॉर्म फिलअप किया था तो आपको फीस देने की आवश्यकता नहीं है, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर पे आपका भुगतान हो जाएगा। देखिए सीट्स की बात कर लेंगे तो यहाँ पे ड्राइंग के लिए बात करेंगे तो 95 टोटल सीट निकाला गया है, इंजन ड्राइंग का, गणित का 90, फिर विद्युत का यहाँ पे देखिएगा तो मैं इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रीशियन का 153, फीटर का 144 वैकेंसी है। फिर यहाँ पे देखिए जनरल में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जो कहलाता है वो 42 है। वेल्डर के लिए यहाँ पे देखिएगा तो वेल्डर के लिए 74 सीट है। इसके बाद यहाँ डीजल मैकेनिक यहाँ पे 52, 52 सर्वेयर का 18 है, फिर मैकेनिक ट्रैक्टर का 2 है, प्लम्बर का 20 है, आरएसी का 8 है, फिर मशीनिस्ट का देखिएगा तो 20 है, वायरमैन का यहाँ पे 8 है, फिर मशीनिस्ट ग्राइंडर का 2 है, टर्नर का 26 है, मैकेनिक मोटर व्हीकल ठीक है एमएमबी तो यहाँ पे देखिएगा 18 है, ड्राफ्टमैन सिविल का बात करेंगे तो 6 वैकेंसी है, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 8 है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का 8 निकाला गया है, फिर सेविंग टेक्नोलॉजी का 12 निकाला गया है, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी का 6 निकाला गया है, फिर फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी का 24 निकाला गया है, फिर फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट का यहाँ पे 6 निकाला गया है, सीट मेटल वर्कर का 2 निकाला गया है, कोपा का 6 निकाला है, कारपेंटर का 6, उसके बाद फिर मोल्डर या फाउंड्री मैन का 8 वैकेंसी, फिर एग्रो प्रोसेसिंग का यहाँ पे 2 वैकेंसी है, सोलर टेक्नोलॉजी का यहाँ पे देखिएगा तो इलेक्ट्रिकल में मतलब तो है 8 वैकेंसी, उसको फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर का है 8 है, फिर यहाँ पे मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस का 6 है, स्मार्टफोन एंड टेस्टर ठीक है, स्मार्टफोन कम टेस्टर 2, तो ये सब नए नए जो है पोस्ट निकाले गए हैं यहाँ पे। चलिए अच्छी बात है। विविंग टेक्नोलॉजी से यहाँ 2 है, फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग से 2 है, फिर फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन का यहाँ पे जो है 4 वैकेंसी है, मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर का 6 है, और फिर यहाँ पे लिफ्ट एंड एक्सलेटर मैकेनिक का यहाँ पे 2 है। इसका तो मात्र एक ही विद्यार्थी है जो कि मेरा बैचमेट था, पिछले साल CITS किया था, ऑल ओवर इंडिया में जो है एक ही जो है कैंडिडेट एडमिशन हुआ था, वो भी NSTI हावड़ा में ही, एक नया ट्रेड खोला गया था पिछले बार, और मात्र एक बच्चा जो कि संदीप कुमार, दिल्ली साइड का, नोएडा साइड का रहने वाला लड़का है, मेरा दोस्त ही है। इसका संभवतः निश्चित हो जाएगा क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ एक इकलौता स्टूडेंट है, और इस बार बच्चे पास होंगे तो अलग बात है, बट अभी जो वैकेंसी निकली है तो पेयरिंग वाले तो फॉर्म यहाँ फिलअप भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका अभी तक एग्जाम भी नहीं हुआ इस बार का। बट चलिए, उस लड़के के लिए तो गुड न्यूज़ है कि उनका निश्चित ही हो जाएगा, क्योंकि अभी तो यहाँ पे 60-40 नियोजन नीति के बाद जो है यहाँ पे कुछ कंपलसरी नहीं है कि रेसिडेंशियल चाहिए ही चाहिए, 40% सीट के लिए आप बाहरी छात्र भी यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे बात कर लेंगे कि क्या क्या मांगा गया। देखिए आपको बता देते हैं कि झारखंड अनुदेशक भर्ती जो निकाली गई है उसमें या तो आपने ITI कर रखा है बट 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, NSE भी कर रखे हैं, अप्रेंटिस भी कर रखे हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ डिप्लोमा अगर कर रखे हैं, ठीक है, अगर आपने ITI कर रखा है 3 साल के समय तो अच्छा बात है, फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, बट बसरते NCIC सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, मतलब कि CITS भी होना कंपलसरी है, देखिए अनिवार्य योग्यता में रखा गया है इसको, ठीक है। तो आपको मैं क्लियर कट बता दे रहा हूँ कि अगर आपने ITI कर रखा है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, और साथ ही साथ CITS है तो आप इजीली फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा, या फिर आपने ITI नहीं करके डिप्लोमा कर रखा था तो डिप्लोमा के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल या फिर जो है आपका टीचिंग एक्सपीरियंस, साथ ही साथ CITS। उसके बाद BTech की बात करेंगे तो BTech साथ ही साथ आपका 1 साल का अनुभव
और साथ ही साथ CITS, ये सभी में फॉलो होगा जितना भी मैं अभी बताऊंगा आपको, चाहे आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो चाहे फिल्टर ट्रेड, सभी में ये अप्लाई होगा। ठीक है, बात करेंगे हम यहाँ पे ड्राइंग का। तो ड्राइंग में देखिए, किसी भी ट्रेड में आप किए हुए हैं तो यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे रोडा और जो है ड्राफ्टमैन सिविल मैकेनिकल का भी यहाँ पे दिया गया, साथ में दूसरे ट्रेड्स भी अगर किए हुए हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। गणित वाले में भी सेम यही कंडीशन है। ठीक है, विद्युत की बात करेंगे, इलेक्ट्रीशियन में तो सेम वही है, ITI आपका जो है इलेक्ट्रिकल ट्रेड से होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए, साथ में 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए और CITS डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपका डिप्लोमा है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए डिप्लोमा, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, CITS भी होना चाहिए। BTEC अगर है तो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या EEE में है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, साथ में CITS भी चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक है, ये है झारखंड की बात, बट बिहार में ऐसा नहीं किया है तो वेटेज सिस्टम पर निकाला गया है। तो ये पूरा जो है आप लोग देख लीजिएगा, जो जो भी पोस्ट निकाला गया उसके अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर देंगे, ये पूरा जो है PDF है वो प्रोवाइड कर देंगे हम, अपने वेबसाइट जैक टाइम्स में भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे ये पूरा PDF। ठीक है, पूरी जानकारी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एज की बात, तो देखिए न्यूनतम 1/8/2023 और अधिकतम 1/8/2019 ये रखा गया है। एज की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी और EWS के लिए 35 वर्ष, फिर OBC वालों के लिए 37 वर्ष, उसमें महिला के लिए जनरल और OBC के लिए 38 वर्ष और ST/ST के लिए 40 वर्ष। ठीक है, सभी में 10 ईयर विकलांग वालों के लिए जोड़ दीजिएगा। चलिए अब यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं नीचे, तो यहाँ पे देखिए बाहरी छात्र तो भरी सकते हैं, लेकिन झारखंड छात्र जो आरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, जो आरक्षण लेना चाहते हैं, उनको जो है अपना दस्तावेज दिखाना होगा, जो कि आपका जाति निवासी प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब नीचे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको मैं डेट बता देता हूँ। तो डेट जो है फॉर्म वगैरह फिलअप करने की यहाँ पे जो बातें हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, वो भी आपको मैं यहाँ पे दिखा देना चाहूँगा। तो साथियों देखिए, रजिस्ट्रेशन करने का जो आप लोगों का डेट दिया गया वो 23/6 से आपका जो है 22/7 तक रखा गया, मतलब कि इसी महीना का 23 तारीख से लेकर अगले महीना का 22/7 तक, 22 जुलाई तक। परीक्षा का शुल्क भुगतान करने का अंतिम तिथि 24 जुलाई तक रखा गया। फोटो सिग्नेचर और प्रिंटआउट लेने का जो लास्ट डेट 26 जुलाई रखा गया है। 28 जुलाई से 30 जुलाई के बीच कुछ अशुद्धि रहती है, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो है मोबाइल ईमेल छोड़ करके, ये 5 चीज़ छोड़ करके बाकी चीज़ आप चेंज कर सकते हैं इस बीच। ठीक है, 28 से 30 जुलाई के बीच। ठीक है, चलिए अब CBT एग्जाम मोड में आपका होने वाला है, एग्जाम परीक्षा का प्रारूप भी बता रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन होगा अगर एक से ज़्यादा शिफ्टों में होगा तो। ठीक है, एक ही चरण में मुख्य परीक्षा लिया जाएगा बट 3 एग्जाम लिया जाएगा। पत्र एक में देखिए भाषा एवं सामान्य ज्ञान से आपका हिंदी भाषा से 25, अंग्रेजी से 25 क्वेश्चन, 25 हो गया। सामान्य ज्ञान देखिए झारखंड GK 30 क्वेश्चन, सामान्य साइंस जो मतलब कि जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन, सामान्य गणित से 10, मानसिक क्षमता रीजनिंग से 10 और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन। तो 120 प्रश्न टोटल हो गए, बट 120 प्रश्न तो यहाँ पे होंगे, बट ध्यान रखिएगा ये क्वालिफाइंग नेचर का, इसमें 30% कम से कम लाना जरूरी है। ठीक है, 30%, ठीक है, मतलब कि 36 अंक लाना जरूरी है। अब पत्र दो की बात करेंगे तो जनजातीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा, इसमें एक कोई पेपर लेकर के आपको 100 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा, और ये भी इसमें भी क्वालिफाइंग आपको करना जरूरी है, पेपर 3 तभी चेकिंग होगा 30% कम से कम। उसके बाद ही पेपर 3 जो है आप लोगों का क्या है, तो टेक्निकल पेपर है, जो भी ट्रेड है, मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन से 120 क्वेश्चन, फिटर से 120 क्वेश्चन, बट पेपर 3 में आपको जो है अनारक्षित अनरिजर्व को 40% पास मार्क्स लाना पड़ेगा, उसको EWS को 40%, फिर यहाँ पे BC2 को 36.5 और BC1 को 34, यहाँ पे ST/ST 32 और आदिम जनजाति को 30%। ठीक है, समझ में आ गया, यही सब चीज़ें दी गई हैं। पेपर 2 पेपर 3 जो है जिसपे मेरिट बनेगा, और जो है डिटेल्स यहाँ पे और जो भी एडमिट कार्ड से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं वो सभी आप इसमें लेकर भी पढ़ सकते हैं, नीचे फॉर्मेट्स वगैरह दिए गए हैं। बात करेंगे बैकलॉग का, तो बैकलॉग में देखिए सिर्फ सभी चीज़ें वही हैं, बस यहाँ पे वैकेंसीज की बात कर लेते, जो नई वैकेंसी जो मतलब कि पहले का जो बैकलॉग रह गया था, गणित का देखिए 5 रह गया था पहले वाला, उसी को इस बार ऐड किया गया है। फिटर का 1 रखा गया है, डीजल मैकेनिक का यहाँ पे 4 है, सर्वेयर का यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे बात करेंगे मैकेनिक ट्रैक्टर का, देखिए मैकेनिकल ट्रैक्टर का 1 है, यहाँ पे RAC का 1 है, वायरमैन का 1 है, मशीनिस्ट ग्राइंडर का 2 निकाला गया है, टर्नर का यहाँ बात करेंगे तो टोटल 5 टर्नर का जी यहाँ पे देखिएगा, तो टर्नर का टोटल 1 वैकेंसी है। उसके बाद फिर ड्राफ्टमैन सिविल का 1 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का यहाँ पे 2 है, ड्राफ्टमैन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 2 है, सेविंग का बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए तो 1 है, फिर सीट मेटल वर्कर का 1 है और कोपा का 2, टोटल 26 वैकेंसी बैकलॉग में, और 904 जो है आपका रेगुलर में, टोटल 930 वैकेंसी हो गया। ठीक है, तो साथियों चलिए उम्मीद करते हैं पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी, बाहरी छात्र भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, और जो है जो भी अगर कुछ अधूरा रहा होगा या फिर कुछ लगा होगा छूट गया है तो आप लोग कमेंट्स में मुझे पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में सभी अपडेट्स आप लोगों को टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है। PDF, ये दोनों PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो जरूर से जरूर आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा।
चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। इस तरह की भर्ती अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार वगैरह का भी आया हुआ चैनल पर अपडेट किए हुए हैं, जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।